यहाँ पे तो इतनी ज्यादा वैरायटी और इतनी क्वालिटी वाइज चीजें मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। रायचेरी है जबरदस्त यार, ये यूएस से आती है, ये सारे ड्राइड आइटम्स ये थाईलैंड से आते हैं, यूएस से, पूरी दुनिया से हम जमा करके यहाँ पे सिर्फ आपकी खिदमत में इस छत के नीचे रखते हैं। ब्लूबेरी ये हार्ट पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रोल वालों के लिए, इवन डायबिटीज वालों के लिए बहुत मुफीद है। ये प्रूनस है, ये स्पेन से आते हैं, स्पेन से आते हैं, ये विद सीड है और ये फिर विदाउट सीड है, ये लोकल पाकिस्तानी है। ये हर मौसम की चीज आपको जो है ना 12 महीने मिलेगी। काजू की आप ये क्वालिटी देखें, ये थोड़ा सा यूनिक सा काजू है, ये हेजलनट है, ये अपनी स्किन के साथ है, ग्रे फ्रूट है, पाइनएप्पल है, कीवी भी है, ऑरेंज पील भी है, डिफरेंट आइटम्स मिक्स हुए हैं इसमें। आजकल आप पाकिस्तान में मशहूर हुआ है चावी वाले अखरोट से। ये अमेरिकन नट होता है, अखरोट की ही एक किस्म होती है, उसका छिलका बड़ा बारीक सा होता है। पिछले 2 साल से सोशल मीडिया की बदौलत ही काफी इन है। अच्छा। ये नॉर्थ अमेरिका से आता है, इसको कहते हैं पाकिस्तानी तलवार बादाम। ये अमेरिकन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी कोई रोस्टिंग नहीं करता है। ये सेलोन की दालचीनी है, ये श्रीलंका की, इसकी खुशबू ही अलग होगी। ऐसी पंजीरी नहीं खाई होगी जो कि लड्डू की फॉर्म में हो। इसमें क्रैनबेरीज डली हैं जो आपको चखाई गई थी, देखिए मैंने, हाँ, ये डली है, पंपकिन सीड्स डले हुए हैं, सनफ्लावर सीड डला हुआ है इसमें, इवन चिलगोजा भी डला हुआ है इसमें। ये ईरान की जाफरान है, चिलगोजे भी डिफरेंट किस्म के आ गए यहाँ पे, खजूरों की अकसाम आ गई। इसमें अखरोट है, काजू है, पिस्ता है और बादाम है। ड्राइड आइटम्स का पूरा जो है ना एक कॉम्बिनेशन है। मतलब किसी के पास अगर आप प्रेजेंट करेंगे ना किसी को गिफ्ट के तौर पे, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लगेगा। ये सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। ये बिल्कुल ओरिजिनल घी होगा, देसी घी होगा, खालिस, ये खालिस देसी शहद है। ये बगैर रंग काट के है, बिना सोडे के है, गुड़ अपनी नेचुरल फॉर्म में होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं व्यूअर्स? एक और वीडियो के साथ, अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आपने मेरे ड्राई फ्रूट की शॉप्स की वीडियो बहुत पसंद की थी, इस वजह से मैंने एक और शॉप ढूंढी है और यहाँ पे तो भाई उधम हो गया है। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतनी क्वालिटी वाइज चीज़ें मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख यार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर जहाँ अच्छी चीज़ मिले और हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छी चीज़ मिले वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ इंतज़ार नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, उन तक क्या क्या चीजें उनके सराउंडिंग्स में है, उनके शहर में है, बिल्कुल उनके मुल्क में है। और मैंने यहाँ पे क्वालिटी देखी है, क्वालिटी वाइज मुझे चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग लगी हैं, रेट्स भी बहुत रिजनेबल है यहाँ पे। सर सबसे पहले अपने हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आतिफ हुसैन अब्बासी है और ये शॉप जो है MIU अब्बासी ड्राई फ्रूट्स है, जो कि Phase 2 में है, नियर सनी मेडिकोज, गुलशन बेकर्स और जस्ट नेक्स्ट टू द मीट वन। तो शॉप का नाम है MIU अब्बासी बाय सुपर चॉइस। और शॉप पे आपको तमाम वैरायटीज़ मिल जाएंगी, ड्राई फ्रूट से लेके खजूरें और सारी तरह की खजूरें और ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड आइटम्स मिल जाएंगे आपको। यूनिक किस्म के प्रोडक्ट, यूनिक किस्म के मिलेंगे। और मेरा तो ये भी कहना होगा कि ऐसे आइटम जो शायद आपने देखे भी ना हो। अच्छा। और जो बाकियों ने अब देखना शुरू किए हों, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे दराज से इन चीज़ों को लेके बैठे हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई इनका एड्रेस और इनका नंबर मैं वीडियो में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर रीच भी कर सकते हैं, प्लस इनसे व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं। सर ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर है? ऑनलाइन का सर बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल इतनी ऑफनली अटेंड नहीं कर पाते हैं, मैसेज पे आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर अगर नोट डाउन कर सकें, स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, 03452219111। ठीक है, ये नंबर है, ये व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा, आप इस पे अपना कोई क्वेरी हो, कोई ऑर्डर हो, किसी हवाले से कोई मशवरा हो, आप इस पे ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा? कैश ऑन डिलीवरी है बिल्कुल, कराची में कैश ऑन डिलीवरी है, आपकी सहूलत के लिए आप घर पे ही ऑर्डर कर सकते हैं, वहीं पे आप पे कर सकते हैं उन्हें। और कराची में 5000 से ऊपर पे डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं, और लेस देन 5000 पे 150 डिलीवरी चार्जेस है, ओनली 150। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान यू कैन ऑर्डर, आप ऑर्डर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, जितने भी शहर हैं जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं आपको वहां पे डिलीवर कर दिया जाएगा, और मिनिमम डिलीवरी चार्जेस के साथ। ज़बरदस्त हो गया। मैं आप लोगों का वक्त ज़्यादा बातों में ज़ाया करूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई है। वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है और उनके रेट्स हमें क्या मिलते हैं। और मैं एक चीज़ ऐड अप करता चलूँ यहाँ पे कि रेट्स आपको होलसेल मिलेंगे। अच्छा, ये इंशाल्लाह होलसेल से भी होलसेल होंगे। वाओ, सुपर होलसेल, सुपर होलसेल कह सकते हैं आप। प्राइसेस होलसेल होंगे, प्लस जो हमारा मेन मोटिव है प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विस। ठीक है, आपको क्वालिटी
आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगी। जबरदस्त क्वालिटी में हमारी तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हर चीज अपनी तरफ से ए प्लस करके आपको दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो में जो चीज दिखाई जा रही है, इंशाल्लाह कस्टमर जब ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन या कस्टमर विजिट करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज सेम क्वालिटी मिलेगी, सेम क्वालिटी होगी। कोई ऐसा जो है व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिलेगा, व्हाट्सएप पे आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। चलें जी वीडियो का आगाज करते हैं फटाफट और देखते हैं क्या क्या वैरायटी मौजूद है यहाँ। तो जी आतिफ भाई क्या दिखा रहे हैं वैरायटी में आज हम? शरियार भाई वैरायटी तो हमारे पास बहुत सारी है, ड्राई फ्रूट में, ड्राइड में, खजूरों में, सारी हर किस्म की आपको वैरायटी मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपको चीजें दिखाते हैं सर, ये देखें ये ड्राई कीवी है, ठीक है, ये ड्राई कीवी है, शुगर कोटेड होती है ये, इसको ड्राई किया जाता है, ये हार्ट वालों के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद होती है, ठीक है। फिर इसी में मेरे पास आपको ड्राई पाइनएप्पल मिल जाएगा, पाइनएप्पल मिल जाएगा, पाइनएप्पल एक और है इसमें, तो यार वो शुगर कोटेड है, ये विदाउट शुगर है, इसका अपना नेचुरल टेस्ट होगा। अच्छा नेचुरल टेस्ट, नेचुरल टेस्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। और ये सारे आपको ड्राइड आइटम्स मिल जाएंगे सिर्फ अय्यूब अब्बासी ड्राई फ्रूट्स में, जबरदस्त। इसके अलावा ये पपाया है, पपाया भी ड्राइड है, वाओ। फिर आपको इसमें मैंगो मिल जाएगा, ये ले जी मैंगो, चेक के देखें आप पहले पाइनएप्पल को ट्राई करें सर। हाँ ये नेचुरल वाला, ये नेचुरल है, इसका टेस्ट ही अलग होगा, सीरियसली ये बिल्कुल जो ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल टेस्ट होता है पाइनएप्पल का, जो लिक्विड में होता है वैसा ही टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंगो है ड्राइड में, ये देखें यार मैंगो भी आपको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अरसे दराज से ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं, लोगों ने तो अभी रखना शुरू की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे दराज से हम अय्यूब पे यहाँ मौजूद है, जबरदस्त हो गया यार। तो ये काफी सारी ड्राई आइटम मौजूद है यहाँ पे, और ये क्या चीज है? ये चेरी है, ये ड्राई चेरी है, जबरदस्त यार। ये यूएस से आती है, ये सारे ड्राइड आइटम्स ये थाईलैंड से आते हैं, यूएस से, पूरी दुनिया से हम जमा करके यहाँ पे सिर्फ आपकी खिदमत में इस छत के नीचे रखते हैं, ये जबरदस्त हो गया सर। आपको बाकी चीजें भी दिखा, थोड़ा सा इनके रेट्स के बारे में आइडिया दे दें सर। रेट सर ये ड्राइड आइटम जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे 3000 रुपए केजी हैं, 3000 रुपए आपको मार्केट रेट से इंतहाई मुनासिब मिलेंगे, ये होलसेल प्राइसेस में मिलेंगे, ये 3000 रुपए केजी हैं, जबकि चेरी जो है ये 4800 रुपए किलो है। इसी में आपको ब्लूबेरी भी मिल जाएगी, ये लें जी, ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। हाँ ब्लूबेरी, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए, इवन डायबिटीज वालों के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। तो भाई हर तरह का यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट मिल जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए ये क्या चीज़ है सर? ये क्रैनबेरी है, वाओ। अब क्रैनबेरी ट्राई करें इसको, आपने क्रैनबेरी बहुत खाई हो, अक्सर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, साशे देते हैं जिनको प्रोस्टेट का मसला होता है, यूरिन ट्रैक का मसला होता है, उसके लिए सबसे मुफीद है, बड़ी जबरदस्त है। और ये यूएस से आती है, टेस्ट इसमें लोकल भी आती है, लेकिन ये वो चीज नहीं होगी, ठीक है। अब फिर ये खुबानी चखे, ये खुबानी कम फ्राइज ज्यादा लगते हैं लेकिन ये भिंडियां भी लगती हैं, जबरदस्त। ये अफगानिस्तान की खुबानी है, ये आइस ड्राइड होती है, इसको बर्फ में सुखाया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर इसको मेल्ट करके प्रोसेस करके इसको लंबा किया जाता है। अच्छा हमारी ऑडियंस को बताता चलूँ कि रेट्स आपको इंतहाई मुनासिब मिलेंगे, चीज़ें आपको टॉप ऑफ द लाइन मिलेंगी, क्वालिटी में हमारे पास कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको सर्विस क्वालिटी विद बेस्ट प्राइस, जबरदस्त। तीन चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर एक चीज ये चेक करें आप, ये क्या चीज है सर? आप चेक करें यार, ये प्रून्स कहलाते हैं, ये आलू बुखारे की एक किस्म होती है, ये कॉन्स्टिपेशन वाले हजरात जिनको कॉन्स्टिपेशन का मर्ज होता है, हाँ ये उनके लिए सबसे मुफीद चीज है, जबरदस्त यार। इसके साशे भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, जूसेस भी आते हैं, बट ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में। एक ये प्रून्स है, ये स्पेन से आते हैं, स्पेन से आते हैं, ये विद सीड है और ये फिर विदाउट सीड है। अच्छा विदाउट सीड, इसको ट्राई करें, विद सीड थोड़ा ड्राई होता है लेकिन ये जूसी होता है, हाँ ये जूसी है, स्पेन से आते हैं, सही है। ये जो विद सीड है ये 2800 रुपए केजी है और जो विदाउट सीड है ये 4400 रुपए किलो है, सही हो गया। ये ड्राई एप्पल है, एप्पल आ गया यार, ये ड्राई हर मौसम में हर चीज मिलेगी, ये लोकल ही है। अच्छा ये लोकल पाकिस्तानी है, ये हर मौसम की चीज आपको जो है ना 12 महीने मिलेगी, जबरदस्त हो गया। टेस्ट वही होगा, टेस्ट वही सेम, आप ट्राई करें इसको, ट्राई करके देख लेते हैं भाई। अच्छा इसमें आपको ड्राई बनाना भी मिल जाएगा, ड्राई बनाना भी मिल जाएगा भाई यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल वही टेस्ट जो आप जैसे आप नॉर्मल खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, वही चीज़ आपको ड्राइड में मिल जाएगी। सही अच्छा है। दूसरी मज़े की बात, आम जो अपना बाजारों में मिलता है या जो दूसरे मेरे भाई हजरात हैं उनके पास ये सारा शुगर कोटेड होता है, सही है, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन नेचुरल में नहीं, ये नेचुरल टेस्ट मिलेगा आपको, डिहाइड्रेटेड किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब लोकली हो रहे हैं, पाकिस्तान में इसके डिहाइड्रेटेड फॉर्म बन चुके हैं और ये वहाँ से हो रहे हैं, जबरदस्त हो गया यार। तो ये काफी सारी वैरायटी मौजूद है यहाँ पे, आपको हर तरह का आइटम मिल जाएगा। ये देखें अंजीर की क्वालिटी, देखें यार ये अंजीर है, ये टर्किश अंजीर है, टर्किश अंजीर नहायत ही नरम होती है, सही है, सॉफ्ट है बिल्कुल। आप अंजीर को एक बिल्कुल सर चख के देखें, बिल्कुल नरम है, ये देखिए जूसी होती है, काफी नरम है, ये बिल्कुल नरम अंजीर होती है।
और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। आप चख के देखिए और ज़बरदस्त टेस्ट में मौजूद है यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग। ये वाली अंजीर क्या हिसाब मिलेगी? ये आपको मिलेगी 2800 रुपये के जी। 2800 रुपये के जी, 2800 रुपये की। उसके अलावा अफगानिस्तान वाली अंजीर भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके मुख्तलिफ रेट हैं, 2000 रुपये किलो भी है, 2400 भी है, 2800 रुपये किलो भी है। साइजेस के हिसाब से होते हैं, उसमें ग्रेडेड के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, काजू की आप ये क्वालिटी देखें, ये थोड़ा सा यूनिक सा काजू है, ये स्किन रोस्टेड है, स्किन रोस्टेड है, खाल के साथ रोस्ट हुआ हुआ है। नॉर्मल काजू तो अमूमन मिलते ही रहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें यार, ये काजू की क्वालिटी देखें यार आप, और सारे साबुत काजू रखे हैं, कोई चूरा नहीं है इसके अंदर, यानी इंशाल्लाह आपको क्वालिटी क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। ये काजू प्लेन है, ठीक है, ये सादा काजू है, और ये भी बिल्कुल साबुत साबुत दाने होंगे, बिल्कुल सही। नॉर्मली जो बाजारों में चलता है और जो हजरात इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में सादे, और इसका रुझान बिल्कुल नहीं है। ये मैंने आपके पास देखी, मैंने नहीं देखी कहीं, ये एक नई चीज़ है। आप इसको खा के देखें, इसका क्रंच चेक करें, ये अपनी स्किन के साथ रोस्ट हुआ होता है, आउटस्टैंडिंग है। इसकी रोस्टिंग ही अलग है, इसका क्रंच ही अलग है, एक नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, काजू मेरे पास एक और भी है, जाओ पकड़ो। तो यार चीज़ें तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी हैं, देख सकते हैं डिस्प्ले पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं इनकी, और इनके कुछ गिफ्ट पैक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ा। अच्छा, काजू जो हजरात जिनको अब ब्लड प्रेशर का इशू होता है या उस तरह के मसले मसाइल होते हैं उनके लिए, ये ड्राई रोस्टेड काजू है, ठीक है। इसमें ना नमक लगा है ना ही ऑयल लगा हुआ है। अच्छा, कच्चा रोस्ट किया जाता है, उसके बाद इसको, और ये जितने भी रोस्टिंग है, जितने भी आपको हमारी दुकान पे रोस्टेड आइटम्स मिलेंगे या फ्राइड आइटम्स मिलेंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे रोस्ट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हफ्तों पुराना स्टॉक उस टाइम पर दिखाया जा रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे रोस्टिंग हो रही होती है, माल की सर्कुलेशन होती है, निकलता रहता है, तो चीज़ें फ्रेश आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। आप ये हेजलनट देखें, हेजलनट आ गया, ये देखें, ये हेजलनट है, ये अपनी स्किन के साथ है, ठीक है, ये शेल में नहीं है, ये स्किन के साथ है। जैसे मूंगफली के अंदर स्किन होती है उसकी, पीनट की, वैसी इसकी स्किन है। ये विद शेल है, अच्छा, अगर आप जो रखा हुआ है, ये विद शेल है, ठीक है, ये विदाउट शेल है, बट अपनी स्किन के साथ, इसका क्रंच ही अलग होगा, जबरदस्त। ये कैसा मिलेगा मुझे? ये 4000 रुपये के जी है, 4000 रुपये के जी मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ। भाई आप देखते रह जाएंगे, यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी मौजूद है माशाल्लाह से, डिफरेंट किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। अगर चने परचेज करना चाह रहे हो तो चने भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आपको चना दिखाते हैं, बल्कि चना दिखाना, ठीक है। अच्छा, ये मिक्स फ्रूट है, मिक्स फ्रूट आ गए, ये 3200 रुपये किलो है, ठीक है। इसमें ग्रे फ्रूट है, पाइन एप्पल है, कीवी भी है, ऑरेंज पील भी है, डिफरेंट आइटम्स मिक्स हुए हैं इसमें, ये 3200 रुपये किलो है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया सर। अच्छा, ये देखिए सर, ये आ गया, ये आजकल आप पाकिस्तान में मशहूर हुआ है चाबी वाले अखरोट से। दरअसल आपको यहाँ पे मैं करेक्शन करता चलूँ, थोड़ी सलाह करता चलूँ, ये चाबी वाला अखरोट नहीं है, इसकी शक्ल अखरोट नुमा है, लेकिन इसको अखरोट नहीं कहेंगे, ये मैकेडेमिया नट है, ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ठीक है। लेकिन ये खुलते इसी चाबी से, हाँ चाबी से है, इसको बिना चाबी के नहीं खोल सकते, चाबी के अलावा कोई ऐसी चीज हो जो थोड़ी धारी सी हो और बारीक सी हो उससे खुल सकता है। अब इसको चख के देखें, तो यार इसका टेस्ट ही यूनिक सा होता है भाई, और ये काफ़ी क्वांटिटी रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रेट्स भी बिल्कुल मुनासिब मिलेंगे और वाफिर मकदार में आपको चीज़ों की वैरायटी क्वालिटी आपको इंशाल्लाह बेस्ट मिलेगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी जो जो चीज़ें मैंने टेस्ट की हैं, आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें निकलेंगी आपको इंशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखाता चलूँ, अब चने की आप जिक्र किया, ये देखें चने का आपने जिक्र किया, आप चने को मुट्ठी भर लें और इसको, मैं नहीं समझता कि आप 4 से 5 मिनट तक रख सकते हैं, गर्म है ये, ये गर्मा गर्म चने होंगे, अभी अभी आएंगे अभी। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यही जिक्र किया कि आपको हर एक चीज़ फ्रेश और डेली बेसिस पर रोस्टिंग के साथ मिलेगी। चने हमारे दिन भर गर्म गर्म होते हैं, जबरदस्त, इनकी बुनाई रोजाना की बुनियाद पर होती है, जबरदस्त, चीज़ें आपको बेहतरीन मिलेंगे। और चने का साइज आप अगर चेक करें, कचरा नहीं है, कचरा नहीं, साफ सुथरा है, ये चना ही होगा, जबरदस्त हो गया सर, साफ सुथरा बिल्कुल। क्या हिसाब मिल रहा है ये वैसे? ये चना 600 रुपये किलो है, इससे कम में भी आपको 480 रुपये किलो भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो फिर क्वालिटी में कम्प्रोमाइज करने वाली बात होगी, ठीक है। चने का साइज छोटा होगा, उसमें सख्त दाना होगा, इसमें आपको सख्त दाना नहीं मिलेगा, अक्सर लोगों की शिकायत होती है वो चना इस्तेमाल करते हैं उसमें सख्त दाना जिसे ठुड्डी कहा जाता है वो निकलती है, तो इसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी हमें। तो यार माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग किस्म की वैरायटी मौजूद है। अच्छा, ये पिकांस चेक करें आप, हाँ ये देखें आप, ये अमेरिकन नट होता है, अखरोट की ही एक किस्म होती है, उसका छिलका बड़ा बारीक सा होता है, बड़ा जबरदस्त होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा ये होता है। दूसरी में एक बात बताता चलूं, ये डिप हुआ होता है, फ्लेवर्ड हुआ होता है, ठीक है, इसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वो अखरोट से काफी सिमिलर होता है। अच्छा, ये डिप्ड है,
ये फ्लेवर्ड किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर आते हैं, दो तीन किस्म के फ्लेवर्ड होते हैं। ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। जबरदस्त यार, तो ये काफी सारी यूनिक किस्म की आपको वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्या आ गया? अच्छा, ये पम्पकिन सीड्स हैं। ओ जबरदस्त, ये कद्दू का मगज है, कद्दू बीज के लाते हैं ये। ठीक है, ये पम्पकिन सीड है, ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं सनफ्लावर सीड दिखा दूँ। सनफ्लावर सीड भी मौजूद है यार यहाँ पे, ये देखे यार, ये सनफ्लावर सीड है। जबरदस्त हो गया सर, ये छिले हुए हैं। ठीक है, अब इनकी क्वालिटी देखें, अमूमन ये इतने साफ होते नहीं है, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ, मुझे खुद हैरत हो रही है। यहाँ पे आपको चीजों की क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी, मुझे खुद हैरत हो रही है सीरियसली, क्योंकि जो क्वालिटी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, बहुत साफ सुथरी और जबरदस्त किस्म की क्वालिटी मौजूद है यहाँ पे। और सबसे बढ़िया है कि रेट बहुत अच्छे है यार, ये शॉप आप देख सकते हैं, शॉप में वैरायटी बहुत सारी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक ये चीज देखिए, ये चारों मगज कहलाते हैं। अमूमन जो बाजारों में चारों मगज दिए जाते हैं, वो एक ही तरबूज मगज होता है, उसी के नाम पे चारों मगज बताए जाते हैं, लेकिन इसमें चारों मगज मिक्स होंगे। अच्छा, इसमें कद्दू का, खीरे का, तीन चार किस्म के मुख्तलिफ मिक्स हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये दिमाग के लिए बहुत नहायत जो है ना फायदेमंद चीज है। सही। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या चीज है? ये पिस्ता है। फ्रेश हुआ है तो बहुत देखे होंगे, नॉर्मल जो पिस्ता होता है, ये टर्की का पिस्ता है। ठीक है, ये क्या का स्किन के बगैर कलर किया हुआ है इस पे, इसी तरह इसका ये नेचुरल है। अच्छा, इसका कलर भी नेचुरल है और बिल्कुल बाकियों से इसको मुख्तलिफ बनाता है, इस वजह से इसका जायका अलग होता है, इसका जायका थोड़ा मीठा ज्यादा होता है। सर, ये क्या हिसाब मिलेगा पिस्ता? ये पिस्ता 8000 रुपए केजी है। 8000 रुपए केजी है यार। इसमें एक और क्वालिटी है, सेम यही चीज है, थोड़ा सा साइज का फर्क होगा, वो आपको मिल जाएगा 7500 रुपए किलो। ठीक है। अच्छा, ये चिया सीड है, बीज में दिखाते दिखाते मैं चिया सीड आपको भूल गया। आजकल ये पिछले 2 साल से सोशल मीडिया की बदौलत ही काफी इन है। अच्छा, ये नॉर्थ अमेरिका से आता है चिया सीड। अच्छा, ये वेट लॉस के लिए, कैल्शियम के लिए बहुत फायदेमंद है। अक्सर लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते चिया सीड और बेजल सीड तुखमलंगे से। अच्छा, दोनों की शक्ल ही अलग अलग होती है, दोनों की फवायद भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये इसको पानी में, इसका इस्तेमाल और तुखमलंगे का इस्तेमाल बिल्कुल सेम है। आपने भिगोना है, उसका इस्तेमाल करना है, वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब आपको ड्राई फ्रूट की, मेजर ड्राई फ्रूट तो आपको सर ये तो मिल जाता है, ये तो यूनिक किस्म के आइटम थे जो आपको दिखाएं। अब आपको ड्राई फ्रूट दिखा दें। ड्राई फ्रूट में आपको सबसे पहले जो हमारा स्पेशल आइटम है वो है बादाम। बादाम, बादाम भी आम नॉर्मल बादाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसमें बादाम की कितनी किस्में आती है? बादाम तो में मुझे आपको 5 से 6 किस्में मिल जाएंगी। अच्छा, बादाम ये रोस्टेड बादाम है, ये आम बादाम नहीं। आप इसको चख के देखें और फिर मुझे अपना रिव्यू दें इसके बारे में। वो इसमें आते हैं वो तलवार बादाम, ये तलवार बादाम ही है, उसी का रोस्ट किया गया, स्मोक्ड बादाम कहलाता है। इसका क्रंच ही अलग होता है, आम नॉर्मल बादाम भी मिल जाएगा। ये सादा बादाम है, ये देखें आप, और साफ सुथरा मौजूद है यहाँ पे, कोई इसमें चूरा उरा नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। अच्छा, ये मीडियम क्वालिटी है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 1, 2, 3 किस्में तो यहाँ रख दी गई है सामने ना मेरे, और ये एक और आ गई, ये तलवार बादाम है। अच्छा, ये तलवार, ये इसी का रोस्ट हुआ हुआ है, फिर ये इसी में मीडियम साइज है, ये इससे छोटा है, एक इससे छोटा साइज आपको और मिल जाएगा। नॉर्मली मार्केट में ये वाला साइज मिल रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको तकरीबन 4 अकसाम ये रखी हुई है और ये 5वीं अकसाम। ये छोटा दाना है, ये अमूमन जो बेकिंग के लिए ले जाते हैं, केटरिंग वाले ले जाते हैं, ये वो बादाम है। ये 1600 रुपए केजी है। ठीक है, इसी में थोड़ा बड़ा ये होता है, थोड़ा दिखने में भी साफ सुथरा होता है। ये 1800 रुपए केजी है। सही है। फिर ये 2000 है, 2400 भी मिल जाएगा आपको। एक और क्वालिटी है, ये 2680 रुपए किलो है, ये तलवार बादाम। तलवार बादाम, ठीक है, ये ओरिजिनल तलवार बादाम होगा, इसमें छोटा बड़ा मिक्स नहीं हुआ होगा, इसी की रोस्ट हुआ है बादाम। अच्छा, बादाम मेरे पास एक दो और भी हैं। ये कौन सा? ये आ गया, ये देसी बादाम है, लोकल पाकिस्तानी बादाम है। अच्छा, बादाम देसी यार। अच्छा, ये भी एक बादाम है, ये भी देसी बादाम है। कितने चाहिए आपको? ये देखें, ये दोनों लोकल पाकिस्तानी बादाम है। जबरदस्त। आप इसका साइज चेक कीजिए, इसको कहते हैं पाकिस्तानी तलवार बादाम। अच्छा, ये देसी, इसमें गजाइत सबसे ज्यादा इन्हीं में होती है। ठीक है, अमेरिकन में भी अपनी जगह, ठीक है, अमेरिकन में भी गजाइत अपनी जगह बिल्कुल बरकरार है, लेकिन ये उसकी बनिस्बत बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑयल की क्वान्टिटी होती है वो अमेरिकन के मुकाबले में ज्यादा होती है। ज्यादा होती है आपको, बिल्कुल, इसीलिए इसमें गजाइत ज्यादा होती है। और ये अमूमन इस साइज में होता नहीं है। आप बादाम की साइज देखें, बादाम बिल्कुल लंबा दाना, इसी में फिर ये गोल दाना जो अमूमन मार्केट में बाजारों में चल रहा होता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी आपको हर ये, एक चीज़ ये वाला क्या हिसाब मिलेगा मुझे? कौन सा बादाम? ये 3600 रुपए किलो है। 3600। ये इसी का लगा हुआ है छोटा, ये 3200 रुपए किलो है। सही है, 3200। अच्छा, बादाम की भी अकसाम मौजूद है भाई यहाँ पे। अच्छा, पिस्ता एक वो भी देखें, एक ये भी देखें, ये भुना हुआ है। अच्छा,
ये वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, भुना हुआ इसकी कोई रोस्टिंग नहीं करता है, ठीक है, खुद हम रोस्ट करते हैं इसका अपना, इसका क्रंच ही अलग होगा, सादा ही मिलता है जिसमें इतना क्रंच नहीं होता क्योंकि ये कच्चा होता है, इसकी रोस्टिंग की वजह से इसको अपना मुनफरिद बनाता है, इसका क्रंच अच्छा होगा। ये ग्रीन छोटी इलायची, ये छोटी इलायची कहलाती है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा, खुशबू आई है जब आप निकाल के लेके आए, बिल्कुल ऐसा ही है, इलायची बिल्कुल हरी भरी होगी और इसकी खुशबू ऐसी होगी कि पैकेट खुलने की देर है। मैंने पहले आपसे कह दिया कि आप लेके आए तो खुशबू आई है इसकी, ये क्वालिटी भी है, ये थोड़ी मीडियम है, ठीक है, साइजेस का भी फर्क है, थोड़ा इनका टेस्ट का भी फर्क है, खुशबू का भी फर्क होगा, सही है, ये ओरिजिनल इंडिया वाली इलायची है। अच्छा हाँ, इसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी सर। ये वाली क्या हिसाब मिलेगी इंडियन वाली? ये 6,800 रुपए किलो है, ठीक है। कराची शहर में क्या डिलीवरी के चार्जेस क्या है? डिलीवरी चार्जेस हमारे 5,000 से कम पे जो है 150 है, 5,000 से ऊपर पे डिलीवरी फ्री है कराची में, पूरे कराची, ठीक हो गया, जबरदस्त। और जो आउट ऑफ द कराची है वो भी मिनिमम चार्जेस होंगे, मिनिमम चार्जेस इवन 50-50 कर लेंगे, 50% हम खुद बेयर कर लेंगे, 50% कस्टमर को पे करना। वाह भाई वाह, ये अच्छी ऑफर दी आपने, आपको जो ना एक नई ऑफर दी, ये ऑफर अच्छी दे दी आपने, और माशाल्लाह से वैरायटी बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की मौजूद है यहाँ पे यार। ये क्या चीज लिया है भाई? दालचीनी है। आपने दालचीनियां तो नॉर्मल वाली बहुत देखी होंगी जो पाकिस्तानी है, ये सेलोन की दालचीनी है, ये श्रीलंका की, इसकी खुशबू ही अलग होगी। अच्छा दालचीनी, वाह यार क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो एक ये भी है, ये लो जी, मतलब बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आपने नहीं देखे होंगे। ये अंदर तक फिल्ड होती है, वाह यार, ये अंदर तक भरी होती है, उसमें थोड़े से होल्स होते हैं, खाली होती है, लेकिन खाने में ये भी बेहतरीन है। अमूमन ये चाय, कॉफी और कहवे में यूज होती है, तो दोनों के टेस्ट अपने ही अलग ही हिट होती है इनकी। ये देखिए, अच्छा उसके अलावा मैं आपको आउटस्टैंडिंग चीजें मौजूद है भाई, चीज दिखाता चलूं। आपने पंजीरियां, बिल्कुल सर्दियों का मौसम है, आपने पंजीरियां तो खाई होंगी घर में, बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात क्लियर करता चलूं, ऐसी पंजीरी नहीं खाई होगी जो कि लड्डू की फॉर्म में हो, ये हमारी अपनी बनी होती है। अच्छा जबरदस्त, आप बनी बनाई पंजीरी भी मिल जाएगी, बनी बनाई, और ये आम बाजार वाली पंजीरी नहीं होगी जिनमें हल्की क्वालिटी और ये हल्का घी तेल इस्तेमाल किया जाए। इंशाल्लाह चीज़ हर एक चीज़ में, चाहे वो आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड में हो या पाउडर फॉर्म में हो, क्वालिटी का बिल्कुल खास ख्याल रखा गया है, जबरदस्त आप इसकी क्वालिटी देखें। अच्छा ये अमूमन आम पंजीरी नहीं है, इसमें ज़ाफरान भी डला हुआ है। अच्छा अगर आप इसको आप प्रेस करेंगे तो सेम वही शेप आ जाएगी, इसमें आपको नट्स भी वाजे नज़र आएंगे, ज़ाफरान नज़र आ जाएगी, सारे आइटम्स आपको इसमें नज़र आ जाएंगे। ज़बरदस्त हो गया सर, ये क्या मतलब किस तरह से मिलेगा? ये वज़न के हिसाब से होती है, 1800 रुपये किलो होता है, 100 ग्राम का एक लड्डू होता है। अच्छा अच्छा 100 ग्राम, 100 ग्राम का एक लड्डू होता है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, ठीक है, इसमें तकरीबन 8 से 9 आइटम शामिल है। अमूमन जो मिक्स रखा होता है वो ये होता है जिसमें 4 आइटम होते हैं जो कि एक नॉर्मल सा मिक्स है, काजू हो गया, बादाम हो गया, इस तरह की किशमिश, लेकिन ये एक स्पेशल मिक्स है। अच्छा इसमें बादाम काजू भुने हुए हैं जो कि अनसॉल्टेड रोस्टेड है, ब्लड प्रेशर के हजरात भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्रैनबेरीज डली हैं जो आपको चखाई गई थी, देखिए मैंने, हाँ, ये डली है, पंपकिन सीड्स डले हुए हैं, सनफ्लावर सीड डला हुआ है इसमें, इवन चिलगोजा भी डला हुआ है इसमें। आलिये तो काफी महंगा है चिलगोजा, हाँ, नहीं लेकिन ये यहाँ पे आपको महंगा नहीं मिलेगा। अच्छा। इंशाल्लाह रेट्स आपको पहले जिक्र हुआ है कि होलसेल मिलेंगे, रेट से इंशाल्लाह मुतमईन रहेगा, तो इसकी क्वालिटी आपको एक अलग ही नेक्स्ट लेवल मिलेगी। सर ये क्या हिसाब पड़ेगी? ये 3,400 रुपए किलो है शेर भाई, ज़ाफरान ये देखिएगा, ज़ाफरान ये ईरान की ज़ाफरान है, ठीक है, बिल्कुल एक नंबर ज़ाफरान होगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज़ में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया हो, ये एक नंबर ज़ाफरान है, ईरान की ज़ाफरान है, ज़बरदस्त बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है, ये नज़र के लिए, हार्ट के लिए, इवन स्किन के लिए, इसके बहुत सारे फवाइद हैं। सर ज़ाफरान का मैंने सुना है बाज़ औक़ात के कलर कर देते हैं लोग, नहीं होता कुछ और है। अब चारों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको ऐसी कोई किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको हर एक चीज़ यूनिक होगी, हर एक चीज़ आउट ऑफ द लाइन होगी, हर एक चीज़ की क्वालिटी जो है ना वो आउटस्टैंडिंग होगी। ये ज़ाफरान है, ये ईरान का, एक स्पेन का ज़ाफरान भी होता है जो कि मेरे पास इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आ जाएगा, उसका स्टॉक थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक है, वो 1 से 2 दिन में आ जाएगा, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। ये कहाँ की बताई आपने? ये ईरान की है, ईरान की। और ये क्या हिसाब मिलेगी? ये 400 रुपए ग्राम के हिसाब से होती है, 400 रुपए ग्राम, ये तो तकरीबन आधा किलो है, ये तो काफी लाखों में है, ये मैं वही देख रहा हूँ, माशाल्लाह से काफी सारी यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल। ये जादू का बॉक्स आ गया भाई, जादू का बॉक्स है, इसमें शहद डला हुआ है, उसमें बादाम काजू पिस्ता सीड्स डले हुए हैं, चिलगोजा है, इंजीर है, सारे ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है, ये आप स्पून के साथ ले सकते हैं। और ये शहद को एक दाना उठाएं आप, सर आपने ग्लव्स पहने हुए, आप उठा के दे दें मुझे, बिल्कुल आप लीजिए, SOB का ख्याल रखते हुए चलेंगे, आउटस्टैंडिंग, जज़ाकअल्लाह, आउटस्टैंडिंग है भाई। नहीं अभी अभी कस्टमर रिव्यू भी आपको मिला है, जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपको चीज़ें अच्छी। कितने का बॉक्स मिलेगा सर? ये 650 ग्राम है,
अच्छा। ये आधा किलो नहीं है, ये 650 ग्राम है और 1650 रुपए का ही है। अच्छा बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, घी इसमें जो शहद डाला हुआ है ये आम नॉर्मल शहद नहीं होगा, ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल डाला होगा बड़ी मक्खी का। चिलगोजे भी डिफरेंट किस्म के आ गए यहाँ पे, सर बताएं जरा इनके बारे में। सर चिलगोजे ये बड़े यूनिक से चिलगोजे होंगे। अच्छा, ये सबसे जो टॉप क्वालिटी है ये वो है चिलगोजे की। और ये बड़ा साइज लगा, बिल्कुल ये साइज भी बड़ा होगा और ये लोकली चिलगोजे हैं, पाकिस्तानी चिलगोजे। अच्छा, ये पॉलिश्ड हुए हुए होते हैं। अच्छा, ये बता चलूं कि ये पॉलिश्ड होते हैं, जो चिलगोजे का अपना ओरिजिनल कलर होता है वो ये है, ये कलर डार्क होता है ब्राउन, देखने में थोड़ा बदमजा लग रहा होता है लेकिन खाने में जो असल मिठास है वो इसी की है। सही है बिल्कुल। अच्छा, इसमें चिलगोजा एक और भी, इसकी जो प्राइस है ये 7000 रुपए किलो है चिलगोजा, ये जो है ये 7400, ये साइज में उससे भी बड़ा है। अच्छा, साइज में ये उससे भी बड़ा है, ये लंबा लंबा दाना होगा बिल्कुल, ये देखिए खुले और ये बंद दाने होंगे सारे, ऐसा नहीं होगा ब्रोकन हो कहीं से टूटा हुआ हो। अच्छा, ये 5600 रुपए किलो है। सही है ये, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा डाउन होगा, क्वालिटी इसकी उस दर्जे की नहीं होगी जो ये भी पाकिस्तानी, तीनों पाकिस्तानी है लोकल, ये डेरा इस्माइल बन्नू साइड के होते हैं चिलगोजे, ठीक है। तो चिलगोजा की क्वालिटी ये है। अच्छा, इसमें छिलावा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ यार, छिलावा भी, ताकि मेहनत हमें कम करनी पड़े ना, बिल्कुल कम मेहनत का मौका देंगे, आपका टाइम भी बचाएंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ती है छीलने में, लेकिन चिलगोजे का असल मजा ही तब है जब उसको छील के खाया जाए। हाँ, ये वरना तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहती जो पे किया जाती है। ये बात तो खैर सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये कि टाइम बचाने के लिए हम जो है वो देखें जी, आपके वक्त की हम कदर करते हुए चिलगोजा छिला। अच्छा, चिलगोजा ये बिल्कुल साफ सुथरा होगा, ऐसा नहीं होगा इसमें निशान हो, टूटा हुआ हो या कोई दाना इस तरह बदमजगी का वाला हो। चिलगोजा बिल्कुल साफ सुथरा होगा, एक एक दाना लंबा होगा और खाने में बिल्कुल मीठा होगा। ये क्या किलो मिलेगा सर? ये 8800 रुपए किलो है। इसी में एक और क्वालिटी भी है चिलगोजा में, वो भी दिखाता हूँ, वो 8400 रुपए किलो, ठीक है। दोनों क्वालिटीज में फर्क होगा, ये सबसे टॉप क्वालिटी होगी। जबरदस्त हो गया। तो भाई छिलावा चिलगोजा भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप इस तरह से लेना चाह रहे तो ये भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये वाला, ये 8400 रुपए किलो है, ठीक सिर्फ साइज का फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, दोनों के ड्राई के ऑलमोस्ट सेम है, सेम होगा बिल्कुल। सही है, जबरदस्त हो गया सर। चिलगोजों की भी अकसाम मौजूद है यहाँ पे यार, और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे नॉर्मली जो इंजीर होती है, एक तो आपने दिखा दी तुर्किश, बिल्कुल नॉर्मल इंजीर भी दिखाइएगा और खजूर भी बताइएगा। मैं भी आपको नॉर्मल। तो भाई ये आ गई इंजीर, सर कहाँ की है? ये अफगानिस्तान की इंजीर है, ठीक है। ये दोनों, ये साइज में फर्क है? साइज में फर्क है, टेस्ट दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। साइज इंजीर की क्वालिटी तो और भी मौजूद है, मैं दिखाना चाहूँ तो फिर वक्त गुजर जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। इंजीर ये जो दो बेस्ट क्वालिटीज है वो आपके सामने रख रहे हैं। सही है। इंजीर ये लगी है, ये 2800 रुपए किलो है, ये 2400 है, इसी में कम में फिर जाएंगे आपको 2000-1800 भी मिल जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी का फर्क होगा, उसकी सॉफ्टनेस का फर्क होगा। अच्छा जी, ये खजूरों की अकसाम आ गई, सर बताएं जरा कौन कौन सी खजूर? सर ये खजूरें सारी सऊदी अरबिया की खजूरें हैं, माशाल्लाह। खजूरों में आपको मबरूम मिल जाएगी, मबरूम की आप साइज चेक करें, ये बिल्कुल जंबो साइज है, क्वालिटी भी अच्छी होगी और सॉफ्ट होगी, ठीक है, दबाने से ही फट जाएगी, दब जाएगी बिल्कुल। सही हो। अच्छा, उसके बाद ये कलमी खजूर है, ये सऊदी अरब की खजूर है सारी। अच्छा, फिर ये अंबर है, ये अजवा खजूर है, अजवा भी बड़ा दाना होगा, आम नॉर्मल साइज नहीं होगा, ये बड़ा दाना है, इसमें आपको मीडियम साइज मिल जाएगा, बट ये बड़ा साइज है और जूसी होगा, सॉफ्ट होगा। अच्छा, उसके अलावा एक और खजूर भी दिखा देता हूँ मैं सऊदी अरब की, माशाल्लाह। ये देखिएगा, ये सुकरी कहलाती है, सुकरी मुफत्तल कहलाती है, ये ड्राई होती है, इसी में एक आती है वो जूसी होती है और गीली होती है। अच्छा, वो कहलाती है रुतुब, ये मुफत्तल है और हर एक दाना बिल्कुल लाजवाब होगा, हर एक दाना साइज में बड़ा होगा। इसमें लोकल सबसे बेस्ट कौन सी है खाने के? खजूरों के खाने में सबके अपने अपने जायके हैं, अपने अपने टेस्ट हैं, और इंसान जो इस्तेमाल कर रहा है बिल्कुल अपने अपने फवायद। खजूरों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, अजवा को एक इकरामन, एक उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एहतरामन भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसका पौधा लगाया था और वो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, तो एक उसकी अपनी ही जो है ना एक फवायद है। बहरहाल खजूरों में आपको तमाम क्वालिटी मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी। रेट्स के आइडिया दे दें सर, रेट्स आपको बताते चलें। अजवा जो है ये बड़ा दाना 2680 रुपए किलो है, ठीक है। अंबर 2600 है, कलमी ये 1800 रुपए किलो है, ठीक है, ये 1800 है। मबरूम जो जंबो साइज है ये 2600 रुपए किलो है, इसी में दरमियाना जो है वो 2200 रुपए किलो है। सुकरी ये 2000 रुपए किलो है। सही हो गया बिल्कुल। तो भाई आपको रेट्स भी बता दिए, अकसाम भी बता दी, जबरदस्त किस्म की क्वालिटी मौजूद है, क्वालिटी अच्छा, भी आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी है सर? बिल्कुल जी, यार ये तो इम्पोर्टेड हो गए सऊदी वाली। अच्छा, अब आपको नॉर्मल और इकोनॉमिकल भी दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो भाई खजूरों के इतने सारी अकसाम है कि आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी। यहाँ पे ये देखिए पैकिंग में मौजूद है, ये आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये कहाँ की है सर? ये रबई बलूचिस्तान की खजूर है, ठीक है।
इसका जायका और मबरूम का जायका बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, दोनों के जायकों में बहुत अक्सर आप पहचान भी नहीं पाएंगे अगर दोनों सामने रखी हुई। अच्छा। हाँ बिल्कुल, दोनों मिलती जुलती हैं। इसके अलावा फिर एक ये ईरान की खजूर है, ये जाहिदी कहलाती है। जाहिदी कहलाती है, ये थोड़ी ड्राई होती है, इवन डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्राई होती है, इतनी मीठी नहीं होती। सही हो गया। अच्छा, फिर ये की ईरानी खजूर होती है। सही है, ये ईरानी खजूर होती है, ये थोड़ी जूसी ज्यादा होती है, सॉफ्ट होती है। जो शेक्स में हमारे बॉडी बिल्डर हजरात हैं, जो प्रोटीन शेक बनाते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है। ये रबई खजूर है, अभी आपको दिखाई दी जो पाकिस्तानी, ये तुरबत पंजगूर की खजूर होती है। ठीक है, ये उसी में ही एक स्पेशल क्वालिटी है, इसमें हर एक दाना साफ सुथरा बड़ा दाना होगा और कैप्ड होगा। ये 560 रुपए किलो है, सिर्फ 480 थी ये 500। अच्छा, मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि ड्राई फ्रूट एक ऐसा आइटम है जो कि इंपोर्ट होके आता है, बाहर से आते हैं, इनमें प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं। ठीक है, मेरे आपके व्यूअर्स को भी बताना चलूं कि ऐसा नहीं है कि वो इस वीडियो को एक महीने बाद या डेढ़ महीने बाद देख रहे हो तो वो सेम प्राइस का तकाजा करें। प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती रहती है, रेट्स, ये मेरी तो दुआ होगी कि एक महीने बाद इस रेट से भी सस्ते हो, सस्ते हो आपको उन रेटों पे भी दिया जाएगा। ठीक है। बहरहाल, अच्छा, आप गिफ्ट आइटम्स का कह रहे थे, बिल्कुल जी, गिफ्ट आइटम्स भी हमारे पास मौजूद हैं। लोग गिफ्ट करते हैं शादी ब्याह की और मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर पर गिफ्टिंग कराना चाहते हैं वो सब फैसिलिटीज भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, कोई गिफ्ट आइटम तैयार है? बिल्कुल सर, आपको गिफ्ट आइटम्स तैयार हैं। एक ये देखिए, सबसे पहले तो ये गिफ्ट आइटम, ये पूरी ट्रे के साथ ये पैच्ड हुए हैं सारे आइटम्स इसमें। खूबसूरत लग रहा है यार। अभी आपको पूरी वैरायटी दिखाते हैं। ये देखें, खूबसूरत सा गिफ्ट आइटम है भाई। इसमें क्या क्या मौजूद है? इसमें अखरोट है, काजू है, पिस्ता है और बादाम है। ठीक है, चारों आइटम मौजूद हैं और बिल्कुल फैंसी पैकिंग के साथ मौजूद है। सही है, अगर गिफ्ट करने वाला लेके भी जाए तो ऐसा ना हो कि बुरा मनाए। अब वो रुझान खत्म हो चुका है कि गिफ्टिंग का जो प्रोसेस था कि वो केक और मिठाइयों का था, अब वो रिवाज खत्म हो जा रहा है, लोग हाइजेनिक चीजें प्रेफर करना स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो ये एक बेहतरीन चीज है गिफ्टिंग के लिए, इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको मिल जाएंगे। इसमें चिलगोजा डाला है, काजू स्किन रोस्टेड डाला है, चॉकलेट्स हैं, अंजीर टर्किश डली है और इसमें ड्राइड आइटम्स डले हुए हैं। जबरदस्त हो गया इस तरह का सारा। अच्छा, एक ये देखिएगा, ये काफी बड़ा बड़ा है, पूरा एक थाल बना हुआ है। थाल इसमें अखरोट, बादाम, पिस्ते, काजू और चिलगोजा। जबरदस्त सर, इनके अलग अलग प्राइसेस हैं? इनकी प्राइसिंग है, अगर आप कस्टमाइज कराना चाहें तो कस्टमाइज भी हो सकते हैं, जिस हिसाब से आप अपना सामान डलवाना चाहें उस हिसाब से रैप हो जाते हैं, तो वो मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये तो हो गए थाल। ठीक है, इसमें आपको ट्रेस छोटे बॉक्सेस भी हैं। अच्छा, ये देखें यार, ये देखें, जबरदस्त, ये ड्राइड आइटम्स का पूरा जो है ना एक कॉम्बिनेशन है, एक इसमें सारी चीजें मौजूद हैं, सारे ड्राइड आइटम्स हैं। सही है, इसमें चेरी से लेके कीवी तक, पपाया, पाइनएप्पल, ऑरेंज पील है इसमें, इवन इसमें खुबानी भी है जो अफगानिस्तान। अच्छा, वाली है। जबरदस्त हो गया, ये सारे आइटम्स इसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा और बड़े बड़े पैकेट भी रखे हुए हैं, छोटे पैकेट भी रखे हुए हैं, तो अगर छोटे पैकेट आप परचेज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें आप, जबरदस्त। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पैक करके रख दिए गए हैं तो इनकी कीमतें आसमान तक पहुंचा दी जाए। यही पूछने वाला था, आपसे क्वालिटी पूछने वाला था आपसे, आपको सवाल करने का मौका नहीं दिया, आपको पहले ही जवाब मिल रहा है। तो जो सामान इसमें डला हुआ है उसी की कीमत है, प्लस जो मिनिमम रैपिंग की और जो इसकी कॉस्ट है वो इसमें एडअप हुई हुई है। ऐसा नहीं है बंद करके रख दिया है तो कुछ भी प्राइस हो, जो आइटम्स इसमें डले हैं प्राइस उसी के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, ये डिफरेंट है इसमें। अच्छा, ये साथ साथ दिखाते चलूं, इसमें छोटे चार खानों वाले भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरह से है। और ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं यहाँ पे, क्योंकि अगर एक एक निकालेंगे तो माशाल्लाह से बहुत सारी पैकेजिंग मौजूद है। ये देखिए, ये वाली पैकिंग भी सर, ये वाली पैकिंग बड़ी आउट क्लास लग रही है। ये दिखाएं जरा, ये गिफ्ट बॉक्स है। ओ, मतलब किसी के पास अगर आप प्रेजेंट करेंगे ना किसी को गिफ्ट के तौर पे, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लगेगा ये। और गिफ्ट के साथ साथ अंदर मौजूद चीज जो है वो भी उसे उतनी ही पसंद आएगी उसे। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, ऐसा नहीं, प्रेजेंटेशन अपनी जगह मैटर करता है। ये वुडन है, वो वुडन मटेरियल है। और अच्छा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर अगर मुझे कोई सुन रहा हो, देख रहा हो, तो अगर वो चाहें अपनी तरफ से कॉर्पोरेट अपना स्टिकर, अपना लोगो या अपनी ब्रांडिंग करना चाहें तो वो फैसिलिटी वो भी मिल जाएगी आपके पास। उस तरह से भी ब्रांडिंग हो जाएगी उनकी। जबरदस्त हो गया। और ये देखें, इसके छोटे पैकेट भी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे रखे हुए, इसमें डिफरेंट साइजेस के हिसाब से हैं। आप ये देखिएगा, ये देखें, जबरदस्त किस्म के मौजूद हैं। एक ये है, एक ये है सर। ये आप घी लेके आ गए हैं, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। ये बिल्कुल ओरिजिनल घी होगा, देसी घी होगा, खालिस। ठीक है,
आप घी की खुशबू अगर सूंघ सकें, अब तक तो आज जानी चाहिए आपको वहाँ से इतने दूर से, घी बिल्कुल प्योर होगा। सही है, ये आम नॉर्मल घी की तरह नहीं है कि कुछ भी डाल के घी बना दिया जाए, आप इसकी क्वालिटी आप पकने के बाद आपको इसका जो है ना असल अंदाजा होगा। घी बिल्कुल प्योर होगा और ये सिर्फ 1300 रुपये किलो है। आम अमूमन बाजारों में देसी घी 1600-1800-2000 रुपये तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइसेस आपको बिल्कुल 1300 रुपये 1300 रुपये किलो सिर्फ। जबरदस्त देसी घी होगी, तो देसी घी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सिर्फ 1300 रुपये मिलेगा। अच्छा, ये क्या सर? शहद आपको दिखाते हैं, ये खालिस देसी शहद है सर। पक्की बात है? पक्की बात होगी बिल्कुल, ये देख लें, क्योंकि खालिस शहद के नाम पे बहुत कुछ बिक रहा है मार्केट में, खालिस देसी शहद होगा। अच्छा, इसकी पहचान ये होती है कि इसकी तार भी नहीं टूटनी चाहिए, जिस तार में आ रहा है वैसे ही आता रहे, इसकी तार नहीं टूटनी, ये देसी खालिस शहद होगा। ठीक है, बिल्कुल। ये कितनी बोतल होगी और कितने की होगी? ये 1 kg की बोतल है, ये 1600 रुपये की है। 1600 रुपये की? इसमें बेरी वाला भी मिल जाएगा। ये छोटी छोटी मक्खी का? ये बड़ी मक्खी का। बड़ी मक्खी, छोटी मक्खी का बेरी का होता है। अच्छा सर, ड्राई फ्रूट के जहाँ बे इंतहा फवाइद है, जी जी, उसी में एक फवाइद ये है कि ड्राई फ्रूट से डायबिटीज का इलाज। अच्छा, बिल्कुल, इसमें चने, बादाम, कलौंजी, कड़वे जो मेथी दाना है, इससे ड्राई फ्रूट से हम आपकी डायबिटीज का भी इलाज करते हैं। वाओ, बिल्कुल, ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है, इसका रोजाना इस्तेमाल आपके शुगर लेवल को बिल्कुल कम कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा जहाँ शुगर कम करने की बात आ रही है वहाँ पे आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, घबराइए नहीं, ये चीनी नहीं होगी। अच्छा, इसमें भी गुड़ ही है, गुड़ है, आपके इतनी बढ़ेगी भी नहीं। सही है, ये चिक्की देखें, ये बादाम की है, काजू की, मिक्स ड्राई फ्रूट की, ये आम नॉर्मल चिक्कियाँ नहीं होंगी, इसमें पूरा बादाम ही बादाम भरा होगा और बिल्कुल गुड़ के साथ बनी होंगी। अगर आप एक चीज चेक करके, क्योंकि नॉर्मली जो मिलती हैं वो मूंगफली की मिलती है मार्केट की, वो भी आपको दिखाते हैं। अगर अच्छा, वो नॉर्मल क्वालिटीज़ में भी आपको सुप्रीम क्वालिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, मूंगफली की ऐसा नहीं होगा कि आम नॉर्मल बाजारी जो मूंगफली होती है वो डली हो। आप अगर बादाम की चिक्की चखें और इनको दिखाएं, ये देखिए यार, ये बादाम की है, इसी में इस तरह से ये मिक्स ड्राई फ्रूट की है, इसमें बादाम, काजू, पिस्ता तीनों चीज़ें मिक्सड होती हैं, छोटे मिनी बार, वन बाइट वाले बार्स बनाए हुए हैं। सही है, तो ये एक बेहतरीन लुत्फंदोज होने वाली चीज़ है। इनके डिफरेंट रेट्स हैं, इनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसमें जो पीनट वाली है, ये पीनट की चिक्की है। ठीक है, ये मूंगफली की चिक्की है और ये गुड़ में बनी हुई है। अच्छा अच्छा, गुड़ से मैं आपको, ये लड्डू भी है, ये भी गुड़ में बना हुआ है, गुड़ में बना हुआ है, गुड़ के साथ बना हुआ है, ये आम चीनी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, गुड़ से बात चली है तो आपको गुड़ की क्वालिटी भी दिखाते हैं। दिखा दें सर। गुड़, ये हम अपना पेशावर में बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल गुड़ बिल्कुल देसी होगा। ये देसी गुड़ होगा, अगर आप इसका एक बाइट ले सकें और फिर मुझे बताएं। सर, मैं माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें खा चुका हूँ यहाँ पे कि जो ना मेरी गुड़ मर गई है। नहीं नहीं, गुड़ आपको बेहतरीन गुड़ मिलेगा। सही, ये बगैर रंग काट के है, बिना सोडे के है, गुड़ अपनी नेचुरल फॉर्म में होगा। जबरदस्त होगा बिल्कुल, ये इसमें चीनी, शुगर वगैरह, ये गुड़ क्या हिसाब मिलेगा मुझे? ये 180 रुपये किलो सिर्फ। ठीक है, इंतहाई मुनासिब दामों पे होगा, बाजार से बिल्कुल कम दामों पे होगा। जबरदस्त, गुड़ की क्वालिटी बेहतरीन होगी, गुड़ बिल्कुल प्योर होगा, ये हम खुद अपना पेशावर में बनवाते हैं। अच्छा, ये आम नॉर्मल गुड़ हरगिज़ नहीं होगा। जबरदस्त हो गया, तो ये गुड़ इसको मुफीद बनाता है। तो जी व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो देखी, यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त किस्म की वैरायटी मौजूद है, और जैसे भाई ने हमारे शुरू में बताया था कि जी आपको सुपर होलसेल रेट मिलेंगे और रेट बड़े आउटस्टैंडिंग है। सर, बहुत मजा आया आपके साथ वीडियो बना के जी, और आपकी वैरायटी चेक करके मुझे तो यहाँ खाने पीने को बहुत सारी चीज़ें मिल गई, क्योंकि मज़े मज़े की चीज़ें मुझसे रुका नहीं जाता भाई, सीधी सी बात है। टेस्ट बड़ा आउट क्लास है, क्वालिटी अच्छी है, रेट अच्छे हैं। सर, ये एक दफ़ा हमारे व्यूअर्स को अपनी शॉप का दोबारा एड्रेस बता दें, ताकि वो अगर यहाँ रीच करना चाहें तो इजीली रीच कर सकें। सर, ये फेज़ टू में हमारी शॉप है, एवन स्नैक्स है यहाँ पे, एक एवन स्नैक्स है, गुलशन बेकर्स है, नियर सनी मेडिकोज है, और बिल्कुल उनके सामने ही मीट वन है, मीट वन के बिल्कुल बराबर में है, MIU अब्बासी ड्राई फ्रूट सुपर चॉइस। ये DHA फेज़ टू है? DHA फेज़ टू है, अगर आप NMC हॉस्पिटल की तरफ से आ रहे हैं तो उसी रोड पर ही है, बाहर बैंक्स काफ़ी सारे बने हुए हैं। ठीक है, तमाम बैंक्स वहाँ पर मौजूद हैं के ऑपोजिट रोड पे। जबरदस्त हो गया। टाइमिंग्स क्या है सर शॉप? टाइमिंग सर हमारी सुबह 10:30 से रात 11 बजे तक। रात 11 संडे को ऑफ होता है? संडे ओपन है। ओपन है, ओपन है, संडे को भी आ सकते हैं भाई। आपकी खिदमत में हमेशा हर दिन है, हाजिर है, हाजिर है। जबरदस्त हो गया। ऑनलाइन का सिस्टम भी इनका मौजूद है, कराची में कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा। कराची से बाहर अगर आप मंगा रहे हैं तो आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। कराची शहर में अगर आप 5000 से ज़्यादा की परचेजिंग करते हैं तो फ्री डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी। सर, फिर दोबारा विजिट करेंगे आपकी शॉप का, बिल्कुल, और कुछ यूनिक वैरायटी रह गई है मज़ीद कवर करेंगे। देखें, वैरायटी ये तो अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनको इंसान नहीं पहुँच सकता, बिल्कुल। ये तो वक्तन फवक्तन चीज़ें एडअप होती जाती हैं, नई से नई चीज़ें
चीजें आती जाती हैं। इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा तकलीफ देंगे इंशाल्लाह जब नई वैरायटी के साथ आएंगे। अब तक के लिए तो मेरे ख्याल में इतना ही है और माशाल्लाह से वीडियो आपको यकीनन पसंद आएगी क्योंकि वीडियो में आउटस्टैंडिंग चीजें मौजूद हैं। चले सर इजाजत दें, शुक्रिया सर, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी और यूजफुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।